हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया है। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल। फिर भी मैंने सोचा है कि होटल जैसी दाल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो मैंने कुछ आज अलग तरीके से मैं दाल बनाने वाली हूँ ताकि होटल का स्वाद आए थोड़ा सा, क्योंकि हम जो घर पे दाल बनाते हैं उसका स्वाद और होटल का स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। सो गाइस, मैंने सिर्फ घर की चीज़ों से ही दाल बनाने की कोशिश की है। तो मैंने इसमें सरसों का तेल लिया है थोड़ा सा, और लहसुन को अच्छे से बारीक कर लिया है। मैंने लिया है सरसों का तेल और इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, हींग डाली है और लौंग, इलायची, काली मिर्च, कड़ी पत्ता और ये पेस्ट डाल दूंगी मैं। इसको थोड़ा सा रेड होने देना है, थोड़ा सा पक जाए, लाल लाल सा हो जाए। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करने के बाद ही हम मिर्च डालेंगे। मैंने सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ किया है, लाल खड़ी मिर्च नहीं ली है मैंने इसमें। अब डायरेक्ट इसमें दाल डाल दूँगी। दाल में मैंने पहले ही हल्दी और नमक डाल दिया था पकने के टाइम पर ही। मैंने इसमें पहले ही टमाटर नहीं डाले। कोई कोई लोग पहले तेल में ही टमाटर डाल देता है मिर्च प्याज डालने के बाद। मैं इसमें ऊपर से टमाटर डालूँ और इसको अच्छे से पका लूँगी तो इसका स्वाद अलग ही आएगा। इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला, बस सिर्फ हल्दी डाली और नमक डाला है। इसी के साथ ये जब तक पकता रहता था मैंने आटा लगा लिया है और बस रोटी बनानी है फटाफट, क्योंकि बहुत ही टाइम हो चुका है और फिर घर के काम भी करने हैं। खाना बनके हो चुका है रेडी और घर के अब थोड़े बहुत काम कर लूँगी। गाइस, मेरा हो चुका है सारा काम और मैंने पूरा खाना बनाने के बाद पूरा किचन कर लिया था क्लीन, और क्योंकि नहीं कि खाना बनाने के बाद मैं क्लीन करना पसंद करती हूँ पूरा किचन, और क्लीन होने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो मेरे बर्तन वर्तन धुल चुके हैं, पूरी रूम हो चुकी है साफ, पोछा ओछा लगा दिया है और अब मैं खाना, उनका भूख लग रही है, उनको खाना देना है तो फटाफट खाना परोसती हूँ। और क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, बज गए हैं 11 हो चुके हैं 11 बजे, तो बस खाना लगाना है। चावल मैंने पहले ही पकने के लिए रख दिए थे जब मैं साफ सफाई कर रही थी खाना रोटी और दाल बनाने के बाद। सो रेडी हो चुका है हमारा खाना। सो गाइस, हो चुका है खाना और खाना पीना सब हो गया है। 12:01 बज गए हैं, मेरे काम भी सब खत्म हो गए हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं कि मैं ना घर के काम के साथ सब पढ़ाई वगैरह भी करती हूँ और मेरी स्टडीज अभी चालू हैं। स्टडी भी दिन भर में जब 12:01 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है उसके बाद मैं स्टडी और पढ़ाई करती हूँ, दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, पढ़ाई भी स्टार्ट है। तो बस, तो मैंने 4-5 वीडियोस डाली हैं, 4-5 ब्लॉगिंग की वीडियोस डाली हैं। तो कमेंट आते हैं बहुत सारे लोगों के और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, सब बोलते हैं दीदी आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आगे करते रहिएगा, आगे बनाते रहिएगा ताकि आपको सफलता मिले। तो दोस्तों, मेरी सफलता के लिए बस आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। थैंक यू।